अभी की लाइव मध्य प्रदेश पर सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कानपुर जिले की सबसे बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानते हैं कि आखिर क्या है इस पूरी खबर। बुरहानपुर के बसाड़ मार्ग के बीटी मिल में रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए बुरहानपुर सहित नेपानगर और शाहपुर नगर परिषद की 10 से अधिक फायर फाइटर बुलानी पड़ी। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस समय आग लगी उस समय करीब 2 दर्जन मजदूर मिल के अंदर काम कर रहे थे। अचानक आग की लपटें देख किसी तरह मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई। वहीं आग से तैयार कपड़ा और मशीनरी जलकर खाक हो गए, जिस कारण लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग किस कारण लगी है और कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। आकलन के बाद पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। हमारे विशेष संवाददाता रिजवान खान ने बीटी मिल प्रबंधक वेदांत मित्तल से बात की है। इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा वेदांत मित्तल ने, देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त कंपनी संचालक वेदांत मित्तल जी, इनसे बात करेगी कि रात को कितना नुकसान हुआ और क्या कारण रहा आग लगने के पीछे का। सर बताए क्या कारण था आग लगने के पीछे, कारण तो अभी देख रहे हैं क्या कारण रहा, किस कारण से आग लगी है। संभवतः निकाल के इसको शाम तक जानकारी हो पाएगी, वो बता बजे की घटना है रात को कितने बजे, लगभग 2:30 बजे की घटना है ये, 2:30-3 बजे की। कब तक के आग पे काबू पाया गया? ये आग पे काबू 5:30 बजे तक 5:45 बजे तक काबू पा लिया गया था। पता चला कि कुछ मजदूर भी यहाँ काम कर रहे थे जब ये घटना घटी? नहीं, मजदूर को एक दो सो रहे होंगे, वो जो कंपनी के सुरक्षा के निमित्त भाई काम वाम कुछ नहीं कर रहे थे। लगभग 85 लाख का नुकसान होने माना जाए, मान सकते हैं। ये थे हमारे सर मेदल मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी घटनास्थल की जानकारी के लिए लगातार अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं और कंपनी के संचालक का कहना है कि अभी आकलन किया जा रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये थे हमारे साथ वेदांत मित्तल जी, लाइव मध्य प्रदेश के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।